السلام عليكم. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. और सब ठीक है? आवाज आ रही है ना? सही, ठीक जी जी सर, आ रही है. है। चले स्टार्ट लेते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वी आर स्टार्टिंग आवर मीटिंग एंड दिस इज द लास्ट मीटिंग, राइट? तो एक चैप्टर हम कवर करेंगे, करेक्शन, करेक्टिंग एंट्रीज, और उसके बाद आपको बताएंगे कि हाउ टू पास द एग्जामिनेशन, टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किया है, देखिए, कुछ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन अब शेयर हो रहा है? चैप्टर शेयर हो रहा है? चलिए जी सर, हो ठीक रहा है. है। देखिए, ये चैप्टर पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग एरर्स। देखो, ये चैप्टर जो है अकाउंटिंग एरर्स का, इसकी आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपका पूरा नॉलेज है बेसिक अकाउंटिंग का। तो देखिए, इसको मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहा हूँ आज अगेन के। देखिए, अकाउंटिंग एरर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी सॉल्व द क्वेश्चन, और लास्टली आपको टेक्निक्स बताएंगे। अकाउंटिंग एरर्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज पॉसिबल दैट सर्टन एरर्स मे अराइज ड्यू टू केयरलेसनेस, लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, उसकी गलती से भी हो सकता है, यानी केयरलेसनेस की वजह से, या उसके पास नॉट हैविंग ए प्रॉपर नॉलेज बाय द अकाउंटेंट। तो देखिए, करेक्शन ऑफ एरर्स, द एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टिंग द अकाउंट्स एरर्स मेड बाय द अकाउंटेंट इन पास्ट आर नोन एज करेक्शन। जाहिर है, ये चीज पास में हुई है, अब मंथ एंड पे, ईयर एंड पे ये डिस्कवर हुई है कि भाई ये फॉलोइंग आर द एरर्स, राइट? इन दीज एरर्स को वी हैव टू रिमूव फर्स्ट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, राइट? इससे पहले हमें, यानी कि बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फर्स्टली वी हैव टू रिमूव दीज एरर्स इफ दीज एरर्स आर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो देखिए, करेक्शन ऑफ एरर्स क्या क्या है? देखिए, द एडजस्टमेंट्स, करेक्शन ऑफ एरर, द एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टिंग द अकाउंटिंग एरर्स बाय मेड बाय द अकाउंटेंट इन पास्ट आर नोन एज करेक्शन ऑफ एरर्स। दीज एरर्स आर रिमूव्ड कंपल्सरली बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर मेड। फाइनल अकाउंट से हम बनाने से पहले हमें लिए जरूरी है कि हम उन एरर्स को रिमूव कर दें, राइट? लाजमी, ठीक है, अदरवाइज द अकाउंट्स विल बी नॉट बी करेक्ट। ठीक है, तो ये एरर्स को हम देखते हैं क्या है, किस टाइप के एरर्स हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग एरर्स क्या है? बुक कीपिंग एरर्स मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। हाँ, क्या कह रहे हो? एरर्स ऑफ ओमिशन, ठीक है, ओमिशन। देखो, एरर ऑफ ओमिशन इसका मतलब क्या है? एन एरर ऑफ ओमिशन इज वन वेयर द ट्रांजेक्शन हैज बीन एब्सोल्युटली रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, राइट? सिरे से इसका मतलब, जो तरीका रिकॉर्ड करने का, उस तरीके उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने ये रिकॉर्ड नहीं किया, मिस हो गया, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे, भी
सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, राइट, ये जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उस हिसाब से इसको हमने फॉरन रिकॉर्ड कर लिया, राइट। तो ये आपका है, कहलाता है कि एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन इज वेन वेयर इज वन वेयर द ट्रांजेक्शन हैज बीन एब्सोल्यूटली नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स बॉट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक्स, राइट। तो हमने उसको रिकॉर्ड करना properly. Secondly, error of commission when transaction is completely or partly incorrectly recorded in the books of account. For example, posting a wrong amount in the ledger, posting an amount on wrong side of a ledger, posting an amount to a wrong account. ये दूसरा error है जिसको कहते हैं error of commission, नाम दिया इसका कि व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली और पार्टली इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गया, हो सकता है एक अकाउंट में करेक्ट हो, दूसरा अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट किया है, करेक्ट डेबिट तो हमने सही कर दिया, क्रेडिट गलत अकाउंट में कर दिया, राइट, या दोनों ही गलत है, इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली या पार्टली इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पार्टली और इन कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड किया लेकिन उसको थोड़ा सा गलती से उसको रिकॉर्ड किया, कुछ मिस्टेक हो गई, अमाउंट में भी मिस्टेक हो सकती है और रॉन्ग अकाउंट के अंदर पोस्टिंग भी गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्टिंग ए रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, पोस्टिंग एन अमाउंट टू ए रॉन्ग अकाउंट, राइट, अकाउंट जो है जिसमें पोस्ट किया वो रॉन्ग था, इस तरह के एरर हो सकते हैं जिनको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। थर्डली, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, अब यहाँ प्रिंसिपल मिस्टेक हो गई है, ठीक है, व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट then with generally accepted accounting principle, when transaction is not recorded in accordance with the generally in the books of account, is called the error of principle. Okay? Generally accepted accounting principle के तहत नहीं record कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने capital expenditure को revenue expenditure record कर दिया, revenue expenditure को capital expenditure record कर लिया, ये कहलाती है कि principle error, था तो repair and maintenance debit कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, व्हीकल्स को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, ताकि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस थी फर्नीचर की या प्लांट एंड मशीनरी की। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या, देखो, व्हेन ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स GAAP इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड द एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सफिशियंट डेफिनेशन रिकॉर्डेड, ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि हमने डेफिनेशन रिकॉर्ड करना था तो वो मिस्टेकली वो इनसफिशियंट रिकॉर्ड कर लिया, या कोई स्ट्रेट लाइन से हम रिकॉर्ड करते हैं और डिक्लाइनिंग बैलेंस से रिकॉर्ड कर दिया, ये सब एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इनसफिशियंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड, डाउटफुल डेट्स का जो हमने तरीका कार बताया रिकॉर्डिंग का, उस तरीके से हमने रिकॉर्ड किया, इनसफिशिएंट। ड्राइंग बाय एन ओनर रिकॉर्डेड एन एक्सपेंस, ओनर ने ड्राइंग किया, ओनर ने कैश विदड्रॉ किया या कोई इन्वेंट्री विदड्रॉ किया, लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस के तौर पर, ठीक है, डेबिट तो करना था ड्राइंग को, रिकॉर्ड कर दिया किसी जनरल एक्सपेंस को, एनी अदर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो ये सब चीज़ें हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ये इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, इनकी भी हैव टू बी मेड करेक्शन बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर मेड, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये तीन एरर्स मैंने आपको बताया, इसमें कोई ऑलरेडी हमने डिस्कस हो गया है, लेकिन फिर भी आपको तो अब कोई इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, कम टू द क्वेश्चन जो मैंने आपको सेंड किया है।
देखिए तो शेयर भी कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा शेयर। जी सर, क्वेश्चन शेयर हो रहा है, देखिए जी सर, हो रहा है सर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने लिया है। फॉलोइंग एरर्स कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ करीम एंड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर फॉर ₹2000 वर चार्ज टू सेल्स। देखो डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाई ए कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, कस्टमर को, कस्टमर तभी रिटर्न करेगा ना जब हमने उसको सेल किया। सेल मेड एंड कस्टमर रिजेक्ट रिटर्न द गुड्स, चार्ज टू, देखो डिफेक्टिव गुड्स लेकिन साथ में लिखा हुआ है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर फॉर 2000 वर चार्ज टू सेल्स, ठीक है, चार्ज टू सेल्स, सेल्स को चार्ज कर दिया। इसका मतलब क्या मतलब हुआ, सेल्स को डेबिट कर दिया। क्या मिस्टेक है इसमें, व्हाट इज द मिस्टेक? प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल इसमें डेबिट करना चाहिए था। रिजवान नूरुद्दीन आप बताइए। हाँ मिस्टर रिजवान नूरुद्दीन, सुन रहे हैं आवाज? रिजवान जवाब ही नहीं। सर, सलमान हैदर आप बताइए। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न में नहीं करना चाहिए था इसे डेबिट? इसमें डेबिट करना चाहिए था। हाँ सर, सेल रिटर्न में। भाई उसने कस्टमर ने चीज वापस कर दी है ड्यू टू डिफेक्टिवनेस, तो अब हमें इसको डेबिट किस्म करना चाहिए, सेल्स में डेबिट कर दिया। चार्ज टू सेल्स का मतलब डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या एंट्री होगी, ताकि एक ऐसी सर, एंट्री करनी है जिससे करेक्शन हो जाए, राइट। एक एंट्री हमने पास करनी है, जनरल एंट्री एक पास होगी जिससे करेक्शन हो जाए। तो हमें, हमने डेबिट कर दिया है सेल्स को, डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स रिटर्न डेबिट किसको करना डेबिट चाहिए, सेल्स रिटर्न्स एंड चाहिए, सेल्स अलाउंसेस, रिटर्न सर। ठीक है, सेल्स जी सर, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस को डेबिट होना चाहिए था। ये सर वही मैं कह रहा हूँ कि सेल्स जी डिटेल्स में ये डेबिट होगी। जी है, तो ये सेल्स रिटर्न्स को डेबिट होना चाहिए थी, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने सेल्स, जब उसने एंट्री क्या की होगी, देखो सेल्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वो तो दूसरी एंट्री सही है उसकी, सेकंड पास जो एंट्री, लेकिन अब उसकी जो सेल्स को जो डेबिट किया है ना, उसको भी तो करेक्ट करना है ना इस जनरल एंट्री में, सर इसके एडजस्टिंग एंट्री में। अब क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को सर, को क्रेडिट करेंगे ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, उसको बुक से भी तो उसको हटाना ना, जो मिस्टेक हुई है, करेक्ट एंट्री की और मिस्टेक एक ही एंट्री में, देखो क्रेडिट तो सही किया उसने, अंडरस्टूड है, जब सेल्स को डेबिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल को उसने क्रेडिट कर दिया होगा, लेकिन अब इसकी करेक्टिंग एंट्री हुई, सेल्स रिटर्न्स करेक्शन जो किया, और ये जो मिस्टेक थी उसको सही किया, क्रेडिट करने से उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, और ये फिर हमारे पास एंट्री क्या बुक में आ गई, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस, और दूसरी एंट्री जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वो अब वो उसको मिला के समझो, ये दो चीजें आपको सेल्स रिटर्न, सेल्स एलिमिनेट हो गई और सेल्स रिटर्न अलाउंसेस और क्रेडिट बैलेंस अपनी जगह मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल, वो तो करेक्ट था, तो ये वो एंट्री सही हो गई, ये एलिमिनेट हो गई, ठीक है। टू रिकॉर्ड करेक्शन इन सेल्स अकाउंट, और करेक्ट अकाउंट्स के सेल्स अकाउंट को करेक्शन ही कर दिया इसको, ठीक है, सबको सही समझ आ गई।
क्लियर हो गया जी सर? क्लियर। नेक्स्ट पे आओ। सेकंड देखिए, सेकंड है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। देखो व्हाट्सएप पे देखो, परचेज ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर 25,000 वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज रुपीज 2,500। देखो ऐसी मिस्टेक हो सकती है कि जीरो रह गया। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर रुपीज 25,000 वॉज रिकॉर्डेड, यानी कि पोस्टेड, यानी कि डेबिटेड एंड पोस्टेड एज रुपीज 2,500। क्या एंट्री पास होगी? अब देखो एक तो चीज यहाँ जाहिर हो रही है, डेबिट का भी अमाउंट गलत हो गया, क्रेडिट का भी अमाउंट गलत हो गया। क्या करेंगे सर? 22,500 परचेज डेबिट और कैश इतना जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं ना। परचेज को करोगे जी? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 22,500 और क्रेडिट क्रेडिट कैश को जी। सर ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो डेबिट होंगे ना, 25,000 जितनी अमाउंट बाकी बचेगी वो क्रेडिट। 2,500 से तो डेबिट कर दिया, इसका मतलब पोस्टिंग क्या हुई है? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 2,500, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 2,500, ये एंट्री हो गई है। उसकी जो अकाउंटिंग टाइटल है वो तो अपनी जगह सही है, टाइटल तो सही लिखा उसने, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया तो ऑफिस इक्विपमेंट में उसने डेबिट किया, ठीक है, परचेज में तो नहीं जाएगा ना। पर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 2,500 एंड क्रेडिट अकाउंट्स पेबल 2,500, ये एंट्री हो गई है। अब ये फिर एंट्री पास करेंगे कि 2,525,000 का डिफरेंस है, 25,000 माइनस 2,500 यानी कि 22,500 से 22,500 से ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड किया हमने बाय द लेस अमाउंट। जाहिर है अकाउंट्स पेबल भी रिकॉर्ड हुआ बाय द लेस अमाउंट, डेबिट क्रेडिट बराबर ही होंगे। इसको हमने रिकॉर्ड किया 22,500, तो आपका क्या एंट्री हुई फिर? बोलो, रिप्लाई करो भाई। ऑफिस इक्विपमेंट सर 22,500 से डेबिट हो गया और 22,500 से सर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया ताकि हमारी हुई बैलेंस करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 22,000, ठीक है, अकाउंट्स पेबल और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 3rd ट्रांजेक्शन क्या है देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 9,000 बट डेबिटेड, इसको एज रिकॉर्डेड भी कर सकते थे, डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। देखो ये प्रिंसिपल मिस्टेक है, याद रखो,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है प्लांट मशीनरी की, डेबिट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में, यानी कि समझो कैपिटल कैपिटलाइज कर दिया इसको, है ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर था ही नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी है, एंट्री क्या हुई है, रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, है कैश तो अपनी जगह सही है, अंडरस्टूड है, तो क्या ये करेक्शन होगा सर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। जी जी, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट क्यों करेंगे, रीजन बताओ सर? इसलिए कि वो एसेट है और ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। ताकि वो उसका जो है वो डेबिट गलत हो गया था तो क्रेडिट करके उसका इफेक्ट नील कर दिया है, इसलिए कर रहे हैं उसको, ठीक है, इसका इफेक्ट को नील कर रहे हैं, ऐसी करेक्टिंग एंट्री करनी है, तो हमने बिल्कुल सही है, तो आपने कह दिया कि नेक्स्ट है हमारा डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और लैंड एंड मशीनरी को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो रॉन्गली डेबिट हो गया था, ठीक है, रॉन्गली डेबिट हो गया था, अब इसको क्रेडिट करने से और क्रेडिट जो कैश था वो अपनी जगह सही था, एक एंट्री गलत थी, तो इसको हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डेबिट करके और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, ताकि एंट्री अब इस एंट्री के बाद करेक्शन हो गई है, ट्रांजेक्शन के अंदर जो होना चाहिए था वही हो गया, समझो, तो करेक्शन का मतलब ही है कि जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी ऐसा करेक्शन डालें कि वो उस फॉर्म में आ जाए, तो रिकॉर्ड करेक्शन रिकॉर्डिंग प्लांट मशीनरी अकाउंट, ठीक है, उसको हमने फिर अकाउंट को करेक्ट कर दिया, तो ये आपको ये बात, ये करेक्शन भी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आइए, कम टू द नेक्स्ट, थर्ड हो गई हमारी, देखिए सेल ऑफ व्हीकल फॉर 45,000 कैश वर क्रेडिटेड टू सेल्स, वो सेल ऑफ व्हीकल्स फॉर 45,000 कैश वाज क्रेडिटेड टू सेल्स, ठीक है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, कोई व्हीकल हमने सेल किया है, यानी कि इसका मतलब कोई पुराना व्हीकल होगा जिसको हमने सेल कर दिया, ठीक है, अब उसको हमने जो क्रेडिटेड रिकॉर्डेड भी लिखता तो उसका मतलब वही क्रेडिट किया है, सेल को क्रेडिट कर दिया हमने, सेल ऑफ व्हीकल, इसका मतलब कैश तो अपनी जगह सही लिखा होगा, कैश डेबिट, लेकिन हमने व्हीकल की सेल किया, क्या एंट्री होनी चाहिए अब, करेक्शन सर? ये सर हम सेल्स डेबिट जी व्हीकल को क्रेडिट करेंगे सर, और व्हीकल को क्रेडिट डेबिट मशीनरी एंड डॉक्यूमेंट क्रेडिट होगा सर, सेल जो है वो क्रेडिट हो गई है, डेबिट किया हमने ताकि वो उसका इफेक्ट जीरो हो जाए, और हमने व्हीकल को बेचा है, एसेट जब वो बेच दिया तो इसका मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा, तो व्हीकल को हम क्रेडिट कर देंगे, तो फोर्थ में यही हुई एंट्री कि आपने देखे ठीक है, ये सोल्यूशन आपको हाईलाइट हो रहा है ना, ए? नहीं सर, सोल्यूशन नहीं आ रहा, सिर्फ ये क्वेश्चन ही नजर आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, अब देखें आ रहा है जी, आ रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड करेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स अकाउंट, तो ये हमने सेल्स को डेबिट किया ताकि उसका इफेक्ट जीरो हो जाए और व्हीकल को क्रेडिट कर दिया, अब कम टू द नेक्स्ट, नहीं देखो व्हाट्सएप पे आओ, अच्छा क्वेश्चन फाइव, परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश, देखो
परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश रुपीज 2000 वाज रिकॉर्डेड एज 20,000। ये भी बहुत आसान है, परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश 20,000 फॉर 2000 वाज रिकॉर्डेड एज 20,000 के तौर पर रिकॉर्ड हो गई। क्या करेक्शन होगा फिर इसका? कैश को डेबिट करेंगे सर 18,000 से, कैश को डेबिट करेंगे और ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर देंगे 18,000 से। 18,000 से कैश को डेबिट किया क्योंकि क्रेडिट हो गया 18,000-20,000 से, तो 18,000 से डेबिट करके ताकि वही आपका 2000 पे आ जाएगा और क्रेडिट कर देंगे ऑफिस सप्लाईज को। ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है, ये एंट्री हो गई, समझ गए? कैश डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, नजर आ रहा है ना? ओके सर, कम टू नेक्स्ट सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या है? कैश रुपीज 4,500 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर असलम वाज रिकॉर्डेड एंड रिसीव फ्रॉम द कस्टमर जावेद, यानी कि कस्टमर जो था रिसीव फ्रॉम कस्टमर असलम, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया गया जावेद से मिला पैसा। कैश रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर मिस्टर असलम एंड वाज रिकॉर्डेड एज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर जावेद, क्या होगी करेक्शन इसकी? सर जावेद को डेबिट करेंगे और असलम को क्रेडिट करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, जावेद रिकॉर्डेड एज रिसीव फ्रॉम जावेद को फिर दोबारा रीस्टेट कर देंगे ना, उससे तो पैसा मिला ही नहीं, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, तो जावेद को हमने डेबिट किया और जिससे पैसा मिला था वो उसको क्रेडिट कर दिया, और कैश तो अपनी जगह सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है। ये एंट्री हुई सिक्स की, ठीक है, समझ गए सब लोग? सर ये माइक खुला रह गया किसी का, सर आवाज आ रही बहुत ज्यादा। भाई माइक भाई बोलो नहीं आपस में, साइलेंट। क्लास में बैठे हो और आप बातें कर रहे हो, कम टू द सेवंथ। सेवंथ पे आओ, व्हाट्सएप पे देखो, सेवंथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग वाज ओवरचार्ज बाय 10,000, इसकी एंट्री क्या होगी भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग was overcharged by 10,000. Accumulated depreciation को debit कर देंगे sir और depreciation को credit कर देंगे, overcharge जितनी amount हुई है उसे। Depreciation expense को credit कर देंगे, overcharging जितनी हुई है ना 10,000 से, तो depreciation expense on building was overcharged by 10,000, इसका मतलब entry की हुई है, जो भी है हो सकता है इस तरह हुई हो कि depreciation expense debit 20,000 और accumulated depreciation 20,000, ठीक है, बस बहरहाल जो 10,000 का डिफरेंस है तो हमने इसी को इसको हमने न्यूट्रलाइज किया, नील किया इस डिफेक्ट को, तो हमने कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट ओवरचार्ज, इसलिए मतलब हमने अलाउंस को पहले डेबिट किया है क्योंकि वो क्रेडिट हुआ हुआ है, तो पहले डेबिट किया accumulated depreciation बिल्डिंग है डेबिट 10,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डैश बिल्डिंग 10,000 क्रेडिट, ठीक है, तो इस तरीके से ये करेक्शंस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो गई, कम टू द नेक्स्ट। देखो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट या accumulated depreciation debit है, एक ही बात है, allowance for depreciation लिख दो या accumulated depreciation, right? और depreciation expense credit, ठीक
ठीक है, हाईलाइट हो रहा है ना? जी जी हो रहा है सर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, व्हाट्सएप पे देखो। Accrued advertising expense of 11,000 was overlooked. यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया। Accrued advertising expense, ये entirely, ये पूरी एंट्री जो है समझो एरर ऑफ ओमिशन है, ये एरर ऑफ ओमिशन है। पूरी बिल्डिंग का जो accrued advertising expense, जाहिर है कि एक एडजस्टिंग एंट्री पास होनी थी, was overlooked, पता लगा कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ओवरलुक हो गया। क्या एंट्री होगी? ओरिजिनल एंट्री समझो मिस हो गई है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ओमिशन हो गया। क्या एंट्री हुई फिर? वही ओरिजिनल एंट्री को हमने रिकॉर्ड कर देना है बस। क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और एक्रूड पेबल को क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंस को। एडवर्टाइजिंग पेबल समझो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है ना, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और एडवर्टाइजिंग पेबल, जैसे सैलरीज होती है लिख देते हैं सैलरीज पेबल, ठीक है, एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है, ओवरलुक हो गई है, तो हमने इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग पेएबल क्रेडिट। अच्छा, कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, सेवन भी हो गया, एट भी हो गया, बाद में नाइन्थ पे। सेल्स रिटर्न ऑफ 5,000 वर चार्ज टू परचेजेस। देखो, सेल्स रिटर्न ऑफ 5,000 वर चार्ज टू परचेजेस। क्या किया हमने? ये बताओ जरा, सेल्स रिटर्न ऑफ 5,000 वर चार्ज टू परचेजेस। सर परचेजेस क्रेडिट करेंगे, सेल्स टर्न को सर डेबिट करेंगे। सेल्स को सेल्स रिटर्न ऑफ डेबिट किस कितना अमाउंट, क्या क्या चीज होगी डेबिट? सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे सर, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेजेस डेबिट हो गई है एरोनियसली। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे, इससे मामला हल हो जाएगा। जी सर। कैसे? सोचो जरा, सोचो। देखो, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस को डेबिट कर दिया है, जिसको जो नहीं हुआ, ठीक है, और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अब देखें अगला सवाल क्या है। ये हमने नाइन्थ कर लिया, अब टेंथ भी आ दो। सेल्स ऑफ गुड्स टू जुनैद फॉर रुपीज 7,000 वाज पास थ्रू द परचेज बुक। अब ये जरा चीजों को समझो, ठीक है,
सेल्स ऑफ गुड्स टू जुनैद, अब ये स्पेशल जनरल इन्वॉल्व हो गया इसमें, सेल्स ऑफ गुड्स टू जुनैद, देखो जुनैद को सेल किया फॉर रुपीज 7,000 वाज पास थ्रू द परचेज जनरल। भाई परचेज जनरल में तो हम वो चीज रिकॉर्ड करते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है, वहां पर रिकॉर्ड हो गया। अब देखो इस सवाल को जरा गौर से समझो, सेल ऑफ गुड्स टू जुनैद पर रुपीज 7,000 वाज पास थ्रू द परचेज जनरल, सेल ऑफ गुड्स टू जुनैद पर रुपीज 7,000 वाज पास थ्रू द परचेज जनरल। है देखो परचेज जनरल में जब चीज रिकॉर्ड हुई ना, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो क्रिएट हो गया। याद रखो परचेज जनरल में अकाउंट्स पेबल क्रिएट हो गया, परचेज जनरल में जब रिकॉर्ड किया रिसीवेबल होगा सर, रिसीवेबल नहीं होगा सर, सेल हो रही है ना, सेल तो हो रही है, उसने रिकॉर्ड किस तरह कर दिया, सेल तो हो रही है लेकिन रिकॉर्डिंग क्या हुई है, परचेज जनरल में उसने रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब सेल जो है क्रेडिट पे सेल हुई, डेबिट कर दिया, परचेज जनरल में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज जनरल के अंदर रिकॉर्ड करने का मतलब हमने परचेज करते हैं जो क्रेडिट पे वो रिकॉर्ड करते हैं, और ऑटोमेटिकली उस पे अकाउंट्स पेबल अराइज हो गया, अकाउंट्स पेबल यहाँ अराइज हो गया 7,000 का जुनैद का, समझ गए, यहाँ पर जब परचेज जनरल में जब चीज रिकॉर्ड कर ली तो आपका भाई परचेज जनरल में जब टोटल को हम पास करते हैं ना, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है एट मंथ एंड, तो अब यहाँ पर ये जो जब हमने सेल किया है जुनैद को, तो हमें तो रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड होना था कि भाई अकाउंट रिसीवेबल यानी कि जुनैद को हम डेबिट करते और उसको सेल को क्रेडिट होना था, ये था परचेज जनरल में, ये रिकॉर्ड हो गया सेल जनरल में होना चाहिए था। तो अब इसका इफेक्ट क्या किया कि जुनैद के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस चला गया है, ये भी देखो ना, जुनैद के अकाउंट से लायबिलिटी क्रिएट हो गई, अकाउंट्स पेबल क्रिएट हो गया, ठीक है, तो अब उसको कैसे रिमूव करेंगे बताओ, क्रेडिट बैलेंस आ गया साथ अकाउंट पेबल डेबिट, सर ये एंट्री रिवर्स करके फिर इसको करेंगे, क्या कह रहे हो, अकाउंट पेबल डेबिट होगा सर, इस रिसीवेबल क्रेडिट होगा, सेल भी तो गलत हो गई है ना सर, एंट्री रिवर्स होगी पूरी, तो जुनैद को परचेजेस में परचेज जनरल में रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब परचेजेस डेबिट हो गई और जुनैद है जुनैद जो है यानी कि अकाउंट्स पेबल जुनैद है, इसको हमने पे करना है, हालांकि इससे रिसीव करना था, इसको पे करना है, इसकी एंट्री जुनैद के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस चला गया 7,000 का, तो देखो ना जुनैद के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस चला गया, परचेज जनरल ने जब रिकॉर्ड कर लिया ना, जुनैद के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 7,000 चला गया, जबकि जुनैद के अकाउंट में डेबिट बैलेंस 7,000 आना चाहिए था, अब हमें क्या करेंगे, वहां क्रेडिट आ गया 7,000 का, डेबिट बनाना है 7,000 से, और 7,000 क्रेडिट पहले हो चुका है, अब बताओ इतनी हिंट दे दिया मैंने, सुन रहे हो सब स्टूडेंट, जी सर, क्या एंट्री होगी, किसी को डिफरेंस है इस हम इनकी इस बात से 14,000 से क्यों डेबिट कर रहे हैं जुनैद को, इसलिए कि जुनैद के अकाउंट में हमें 7,000 लाना है, ठीक है, 7,000 डेबिट में लाना है और क्रेडिट में चला गया 7,000, क्योंकि जब ये परचेज जनरल याद रखो जब परचेज जनरल आ गया तो ये एंट्री हो गई है, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि परचेजेस डेबिट हो गई और अकाउंट्स पेबल जुनैद क्रेडिट हो गया, ठीक है, परचेज जनरल का मतलब ही है कि वो टोटल एंट्री इसका इफेक्ट अल्टीमेटली ये होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया जुनैद के अकाउंट को डेबिट किया 14,000 से, चलो भाई
फिर क्या और क्या क्रेडिट किसको करेंगे फिर? सर सेल को क्रेडिट करेंगे ना, सेल हुई है हमारी, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सही है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे और परचेस को भी क्रेडिट करेंगे। परचेजेस को भी क्रेडिट करेंगे सर। परचेज भी क्रेडिट होगी ना 7000 से, आखिर वो उसका इफेक्ट जीरो हो जाए तब जाके 14000 डेबिट पे क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए? कम टू सॉल्यूशन। देखिए क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया है, देखो परचेजेस को क्रेडिट किया और सेल, ये देखो जिससे परचेजेस को क्रेडिट करने से अब उसका इफेक्ट जीरो हुआ। और जुनैद को हमने डबल से किया है क्योंकि सात, क्योंकि जुनैद के अकाउंट में जब हमने 14000 किया तब उसके अकाउंट में 7000 आया, तो ये फिर ये एंट्री होने से परचेज का अकाउंट का इफेक्ट वो जीरो हो गया और ये सेल हो गई 7000 और ये 14000 इसलिए किया कि 7000 क्रेडिट हुआ तो अब 7000 आ जाएगा उसके बैलेंस में, ठीक है। समझ गए? क्लियर हो गया सबको? बोलो हाँ स्टूडेंट, सबको क्लियर हुई बात? यस सर। चलो कम टू नेक्स्ट, मिस्टर रिजवान नूरुद्दीन, आपको क्लियर हुआ? कम टू नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे चले। देखिए 11, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहम्मद मुर्तजा 14000 वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न जर्नल। देखो गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहम्मद मुर्तजा 14000 वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न जर्नल। मुर्तजा ने रिटर्न किया और डेबिट कर परचेज रिटर्न है, जब परचेज रिटर्न में हुआ तो इसका मतलब परचेज रिटर्न में तो डेबिट हो गया। ये गुड्स रिटर्न है बाय मुर्तजा वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक, इन परचेज रिटर्न जर्नल में डेबिट कर दिया है। परचेज रिटर्न में तो है एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न जर्नल, इसका मतलब यहाँ पर जो भी एंट्री होती है वो क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न में तो जो एंट्री होगी वो क्रेडिट में जाएगी ना, ठीक है, डेबिट हो जाएगी। परचेज देखिए गुड्स रिटर्न बाय मोहम्मद मुर्तजा वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल क्या होगी एंट्री? तो परचेज रिटर्न जर्नल में एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न जर्नल। सर ये सेल रिटर्न होना था, ये परचेज रिटर्न एरोनियसली कर दिए। क्या एंट्री करेक्शन क्या होगी फिर? सर सेल रिटर्न को तो सर डेबिट होना है हर सूरत में, बिल्कुल होना है, सेल्स रिटर्न को डेबिट होना है, ठीक है। तो कर दिया उसने परचेज रिटर्न जर्नल में, इसका मतलब परचेज रिटर्न जर्नल में अगर एंटर कर दिया है इसका मतलब वो तो क्रेडिट पे चला गया ना, उसको भी डेबिट करेंगे सर क्योंकि इफेक्ट खत्म करना है। परचेज रिटर्न को फिर हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से?
14,000 से होगा ना सर, 14,000 से, और फिर क्रेडिट क्या होगा? परचेस रिटर्न होगा, गुड्स रिटर्न बाय मोहम्मद, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होगा ना 14,000 से, गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स रिटर्न बाय मुर्तजा ये डेबिट होना चाहिए ना 14,000 से, गुड्स रिटर्न बाय मोहम्मद, सेल्स रिटर्न्स डेबिट होना चाहिए 14,000 से होना था, और वहां पर डेबिट कर दिया परचेज रिटर्न्स को, तो अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे तो सेल्स रिटर्न्स को 14,000 से डेबिट करेंगे, सही है? यस सर। तो देखिए अब आप इसको समझो, देखो एक तो ये हमने पहले तो ये करना है कि परचेज रिटर्न आपका जो है वो डेबिट होगा। देखो परचेज रिटर्न जनरल में अगर कोई चीज एंटर कर दी है इसका मतलब वो क्रेडिट हो गया ना, तो परचेज रिटर्न को डेबिट किया, ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट खत्म करे, और सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, कुछ देखो दो दो डेबिट आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करो। देखो ये डेबिट क्यों किया कि जब जो भी परचेज रिटर्न में एंटर कर दिया ना इसका मतलब उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, तो अब इसको डेबिट किया और सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, ये इसको इसका इफेक्ट जीरो किया। और अब देखिए जो चीज परचेज रिटर्न में एंटर हो गई ना, परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न का मतलब है कि वो क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या हो गया, डेबिट क्या हो गया, अकाउंट पार्टी, पार्टी डेबिट हो गई है, ठीक है, तो पार्टी को डबल से करेंगे हम, मुर्तजा हुसैन हसन को जो है वो हमने 14,000 जमा 14,000, क्योंकि डेबिट जब हमने परचेज रिटर्न्स को में एंट्री कर दी तो इसका मतलब मुर्तजा को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, पेबल था ना उसको डेबिट कर दिया, अब उसको 28,000 से क्रेडिट किया ताकि 14,000 आ जाए से रिटर्न, और फिर मुर्तजा का अकाउंट में वो एक क्रेडिट हो गया 14,000 से बैलेंस। क्लियर हुई बात? जी सर। हाँ ठीक है, और ये दे दिया टू रिकॉर्ड करेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रिटर्न एंड दैट वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल, ठीक है, ये समझो कि उसका या परचेज जर्नल सेल्स जर्नल या परचेज रिटर्न जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल में उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है ये जहन में होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी ये इसमें करेक्शन हो पाएगी। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रुपीज 2,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ टीवी सेट ऑफ प्रोप्राइटर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस या रिकॉर्डेड टू जनरल एक्सपेंस, ठीक है, मालिक के टीवी की रिपेयर किया, पे भी कर दिया पेड और डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस को, जनरल एक्सपेंस को, बताओ क्या एंट्री होगी सर? ड्राइंग्स डेबिट होगा और जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल मिस्टेक है ना, तो ये हमने जनरल एक्सपेंस को हमने डेबिट किया और देखो हमने क्या नाम है पेड फॉर रिपेयर और टीवी सेट फॉर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? ड्राइंग को सर, ड्राइंग्स को, कैश तो क्रेडिट सही हुआ हुआ है, ठीक है, ड्राइंग को डेबिट होगा, ठीक है, ये एट के अंदर ड्राइंग्स जो ये तो ड्राइंग है, तो ये हमने कहा कि हाँ
देखिए ड्राइंग्स डेबिट और जनरल एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है, ये इसका इफेक्ट जीरो हो गया और हमने कहा ड्राइंग्स को अनदर डेबिट वो कर दिया, करेक्शन इन रिकॉर्डिंग ऑफ ड्राइंग रॉन्गली डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा आप आ जाओ नेक्स्ट पे, देखिए कम टू नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहम्मद अली फॉर रुपीज 15,000 वर एंटर्ड इन द परचेज जर्नल। बताओ ये भी समझने की बात है, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहम्मद अली फॉर रुपीज 15,000 वर एंटर्ड इन द परचेज जर्नल। बताएं भाई सर, फर्नीचर को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये तो फर्नीचर है, तो ये उसमें नहीं आएगा जर्नल में, ठीक है, ये क्योंकि क्रेडिट तो ठीक है लेकिन ये फर्नीचर तो कभी भी नहीं जाएगा परचेज जर्नल में, ठीक है, परचेज जर्नल में, तो इसलिए हमने कहा फर्नीचर परचेज किया था फर्नीचर को डेबिट करेंगे, ठीक है, ताकि वो करेक्ट हो जाए और परचेज जर्नल में एंट्री हो गई तो परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आगे आ जाइए, लास्ट ट्रांजेक्शन है, कम टू द लास्ट, गुड्स रिटर्न, देखिए गुड्स रिटर्न बाय अहमद ए कस्टमर वर टेकन इनटू स्टॉक बट नॉट एंट्री बट नो एंट्री मेड सो फार। देखो गुड्स रिटर्न कर दिया अहमद ने, एक कस्टमर ने, हमने ले लिया उसको वापस लेकिन अभी एंट्री नहीं हुई है, सिरे से समझो ये ओमिशन हो गया, गुड्स रिटर्न बाय अहमद है कस्टमर है गए जिसने गुड्स रिटर्न किया, टेकन इनटू अकाउंट, हमने एंट्री नहीं की, क्या एंट्री होगी है ना, ये गुड्स रिटर्न बाय अहमद कस्टमर, हाँ क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट सर भाई, और भी कोई इसके अलावा दूसरा कोई जवाब दे, आपने तो बहुत दफा बता दिए माशाल्लाह, ठीक है आप थोड़ा ये बताओ भाई, सफदर महमूद आप बताइए, मिस्टर सफदर सर, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये आपका आ गया, ठीक है देखो क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न बाय अहमद ए कस्टमर वर टेकन इन टू स्टॉक बट नो एंट्री है, ओमिशन है ये, तो हमने फिर एंट्री इस ओमिशन जो हुई है उसी की एंट्री पास करनी है बस, ये करेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सेल्स रिटर्न, ठीक है सेल्स रिटर्न अलाउंसेस भी लिख सकते हैं, डेबिट हो गया, ठीक है, और आपका जो है अकाउंट रिसीवेबल है यानी कि भाई अहमद भी लिख दिया, ठीक है वो क्रेडिट कर दिया बस, करेक्शन हो गई, गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर अहमद बट नॉट रिकॉर्डेड येट, नॉट नाउ रिकॉर्डेड, ठीक है आप इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है तो ये आपके पास ये भी आ गया, क्लियर हो गया ये सारा, अब करेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया है जी सर, हो गया, तो अब ये आपको ये भी रिवाइज हो गया, ठीक है तो अब हम देखते हैं कि यार अब देखें सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए, ठीक है अब क्वेश्चन आपको देखो, एक आप जो है इस वक्त
बेसिक अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कह लो या बेसिक अकाउंटिंग कर लो या फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कह दो, ठीक है, इससे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, ऐसा स्टूडेंट जो बेसिक अकाउंटिंग कर रहा है उसकी उससे एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि वो आप बिल्कुल वो फैमिलियर हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, क्योंकि आगे आपने पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक एडवांस कोर्स पढ़ना है, ठीक है, उससे पहले आपका बेसिक नॉलेज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, है, यानी कि ये बेसिक नॉलेज ऐसा है कि अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज समझ लो क्लियर है ना, तो यू कैन वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, है, एज असिस्टेंट के तौर पर आप वर्क कर सकते हो कि आप जो डे टू डे एंट्री हो रही है वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी समझो एग्जामिनेशन में, अब इस लिहाज से आपने तैयार करना, मैंने तो आपको तैयार कर दिया लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए ये मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, है, जो टेक्निक्स आपने फॉलो करनी है कि उस लिहाज से अब एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। मटेरियल सब मौजूद है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, और अगर आपने क्लासेस प्रॉपर अटेंड की है तो आप रिविजन कर सकते हो, आप किसी बुक की तरफ नहीं जाने की जरूरत है, जो मैंने कराए सारे सवाल वही क्वेश्चन आंसर आप करोगे तो आपका पेपर निकल सकता है आसानी से, ठीक है। तो आप देखें ये देखिए, फाइल शेयर हो रही है, अब मैंने फाइल शेयर की है, टेक्निक्स टू गेट थ्रू इन बेसिक अकाउंटिंग पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या है, देखो, यू शुड पजेस द फॉलोइंग नॉलेज वेल बिफोर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, ठीक है। आई ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू वेल बिफोर द एंड ऑफ द सेमेस्टर, देखो पहला क्या पॉइंट बताया आपको, इस देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, कोई टीचर आपको इस तरह नहीं बताएगा फाइनली, देखो फर्स्ट क्या, देखो यू शुड बी वेरी मच फैमिलियर नाउ टू रिकॉग्नाइज एसेट्स लायबिलिटीज स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी कैपिटल इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सेट्रा फ्रॉम द गिवन डेटा, जो गिवन डेटा है अब आपके पास जैसे ही देखो आपको ये समझ आ जानी चाहिए, समझ कहने का मकसद है कि ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, ये स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी है या सोल प्रोप्राइटर होगा तो ए बी कैपिटल वगैरह लिखा होगा, ये एक्सपेंस है, ये रेवेन्यूज है, ये ड्राइंग्स है, ठीक है, ये डिविडेंड्स है, ठीक है, और इनका ये भी पता होना चाहिए कि इसका बैलेंस जो होगा डेबिट होगा, इसका बैलेंस क्रेडिट है, इसका डेबिट है, सब जो आपको ट्रायल बैलेंस की शक्ल में नहीं दिया, क्वेश्चन लिस्टिंग कर दिए और आपसे कहा जाए कि भाई ट्रायल बैलेंस बना दो सिर्फ, ठीक है, तो आपको फिर देखो ये इस चीज को एक नंबर वन को समझने की कोशिश करो, कहने का यह मकसद है कि जब आपको पता है कि जिसको पढ़ा आपने जैसे अकाउंट रिसीवर इन्वेंट्रीज प्रीपेड एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता लगना चाहिए फॉरन की ये एसेट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पता है कि ये एसेट्स है और इसका डेबिट बैलेंस होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो ये भी कंट्रा अकाउंट है, एसेट्स का फिक्स एसेट्स का इसका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये लाइबिलिटीज है अनअर्न्ड रेवेन्यू या अकाउंट्स पेएबल नोट्स पेएबल लायबिलिटी इसके बैलेंसेस क्रेडिट होंगे, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी है यानी रिटेन अर्निंग्स है इसके, या कैपिटल स्टॉक है इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, राइट, इस तरीके से एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, रेवेन्यू है तो क्रेडिट होगा, बात समझे मेरी, क्या कहा मैंने? जी सर समझ आ गई, ठीक है, आपको अगर लिस्टिंग दे दी जाए और कहा जाए ट्रायल बैलेंस बना दो, ठीक है, अब आपने देखना उसमें से एक एक आइटम को उठाना है, पिक करना है और उसको ट्रायल बैलेंस बनाना है, किसको डेबिट में लिखना है, किसको क्रेडिट में लिखना है, इसके अलावा इसको प्रॉपर फॉर्म में भी लिखना है कि बैलेंस शीट आइटम्स आपने ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, पहले लिखा यानी कि सारे एसेट्स पहले लिख दिए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया लायबिलिटीज लिखी, उसके बाद कैपिटल स्टॉक, फिर आपने इक्विटी के बैलेंसेज लिखे, फिर रेवेन्यू लिखा, उसको क्रेडिट में लिखा, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा, फिर टोटल करोगे तो फिर मैच करेगा, तो ये आपके पहला बेसिक चीज है, नॉलेज होना चाहिए इसको।
ये सेंटेंस का जो लिखा हुआ नंबर वन में ये मतलब है इसका, समझ गए मेरी बात? वर्डिंग में भी समझा दिया। सेकंड देखो, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन एसेट्स लायबिलिटीज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेवेन्यूज एक्सपेंस, आपको पता होना चाहिए कि रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट के। एसेट्स इंक्रीज होगा कहने का मकसद है तो हम उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, शेयर होल्डर सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट, ये कहने का मकसद है ये रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये सबको सबको क्लियर हो गया ना, ये टू भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्यों बोले? क्लियर हो गया सर, जोर से बोलो भाई, क्लियर है, शाबाश। ठीक है, नंबर थ्री देखो, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इसका मतलब है, इसका दोनों का आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि व्हाट इज अकाउंटिंग व्हाट इज बुक कीपिंग, इनका डिफरेंस। ये अकाउंटिंग की जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया तो कम से कम एग्जाम में जब बैठोगे तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी तो आनी चाहिए ना आपको, आपसे ये पूछा जा सकता है डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप फॉरन अकाउंटिंग को डिफाइन करो, ठीक है, फिर बुक कीपिंग का मतलब और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये बेसिक चीजें। फिर नॉलेज ऑफ GAAP होना चाहिए आपको, जो 8-10 हमने प्रिंसिपल बताए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इस पर जरूर नोट्स भी आता है, इसमें ट्रू फॉल्स के अंदर इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है, तो GAAP का नॉलेज आपको अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है यार, इसकी इंपॉर्टेंस देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अकाउंटिंग है, एक बिल्डिंग होती है उसके जो ब्लॉक्स होते हैं वही तो मेन होते हैं ना, आपके ब्लॉक्स के अंदर अगर वीक है वो तो पूरी बिल्डिंग ही नीचे गिर जाएगी, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल को समझना पढ़ना याद रखना बहुत जरूरी है, GAAP को, ठीक है, सब आपको नोट्स दिया हुआ है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट, पासिंग द जनरल, आप देखो आगे साइकिल पे आगे, पासिंग द जनरल एंट्रीज इन जनरल डे टू डे, अब आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए कि जनरल एंट्री आपको पास करने को दिया जाए तो आप फौरन पास करना चाहिए आपको जनरल में जनरल एंट्रीज, डेबिट किसको करेंगे क्रेडिट किसको करेंगे, और ये याद रखो ये डे टू डे पास हो रही होती है जनरल एंट्रीज, हमेशा डे टू डे इसको पास किया जा रहा है, रोज के ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो जनरल एंट्री करा रही है और जिसको हम जनरल में पोस्ट करते हैं, ठीक है, ये तो एक डॉक्यूमेंट है, इसमें ही में सारी जनरल एंट्रीज पोस्ट हो रही होती है, एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट हो रही होती है, ठीक है, जनरल एंट्री क्लियर है ना, बिल्कुल बोलते जाओ सर, क्लियर है सर, जनरल एंट्रीज क्लियर है, ठीक है। पासिंग द एडजस्टिंग एंट्री इन जनरल एट पीरियड एंड, यानी कि मंथ एंड या ईयर एंड, एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री का नॉलेज होना चाहिए आपको, डेफरेंस है या अक्रूअल्स है, इस लिहाज से आपने देखना है एडजस्टिंग एंट्री या तो डेफरल होगी पेड इन एडवांस किया हुआ हमने जनरल एंट्री में या रिसीव्ड इन एडवांस किया हुआ हमने, डेफरल का मतलब है अब इसको हमने एडजस्ट करना है एडजस्टिंग एंट्री में, या फिर अक्रूअल्स है एक्सपेंसिस इनकर्ड नॉट रिकॉर्डेड रेवेन्यूज अर्न नॉट रिकॉर्डेड, ये केस होगा, इस केस से हटके नहीं हो सकती और एडजस्टिंग एंट्री में कभी कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, ये भी याद रखो, ठीक है, तो पासिंग द एडजस्टिंग एंट्री इसकी डेफरेंस और अक्रूअल्स को दोबारा पढ़ो और जो सवालात मैंने कराए इससे रिलेटिव हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आज के दिन, अब ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस वक्त, इतनी मेहनत से पढ़ाया मैंने, ठीक है, ये एडजस्टिंग एंट्री का, ठीक है, क्लियर बोलो। नेक्स्ट, पोस्टिंग द जनरल एंट्रीज इन टू द लेजर, ठीक है, ये लेजर में किस तरह पोस्ट होती है, आपसे कोई ऐसा भी एक दो लेजर में पोस्टिंग की भी पूछा जा सकता है, ये पोस्ट करके दिखाओ, ठीक है, और पोस्टिंग द एडजस्टिंग एंट्री टू द लेजर, लेजर में पोस्ट होगी और फिर हम कहेंगे ऑर्डर फॉर्म का मतलब वही चीज बात हो रही है,
बैलेंस शीट आइटम्स फर्स्ट है, ये बहुत जरूरी है, है? उसको बैलेंस शीट आइटम्स फर्स्ट है, यानी कि एसेट्स, फिर लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसके बाद रेवेन्यूज। अच्छा, इसी में ड्राइंग्स भी या डिविडेंड भी आ जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे रेवेन्यूज आइटम, उसके बाद एक्सपेंस आइटम। इस तरीके से इस ऑर्डर फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ठीक है। और एक बात और गौर से सुनो, एक बात और गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, कि आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे दी गई, और से सुनो, ठीक है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको प्रोवाइड हुई और दो तीन एडजस्टमेंट दिए हुए, ठीक है, आपको कहा वो एडजस्टमेंट, आपसे एडजस्टिंग एंट्री नहीं पूछी। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज गिवन टू यू, राइट, सम एडजस्टिंग एंट्रीज आर गिवन आल्सो, राइट, और आपसे कहा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, आपसे ना एडजस्टिंग एंट्री एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मांगा आपसे, ना एडजस्टिंग एंट्री आपसे पूछी पास करने को, तो आप नहीं पास करोगे ना, एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं पास करोगे, ना एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाओगे, लेकिन आपको ये एडजस्टिंग एंट्री का इफेक्ट लेना होगा इनकम स्टेटमेंट में। मैंने क्या कहा, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एंड सम एडजस्टमेंट आर गिवन एंड द रिक्वायर्ड क्या है, नंबर वन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। देखो तो आप क्या करोगे, इसका इफेक्ट फौरन आपने इनकम स्टेटमेंट जब बनाओगे तो जो दो तीन आपको तीन चार एडजस्टिंग एंट्री है उनका इफेक्ट हमेशा याद रखो कि इफेक्ट ऐसे आ रहा होता है, एक इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही होती है एंट्री, और एक वही सेम एंट्री और एक बैलेंस शीट को, तो उसका इफेक्ट आप लेते जाओगे। जैसे फर्ज करो एक एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड बाय 4000, ये लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड बाय 4000, वहां पर आपके पास लेजर में दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्या नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस 16000 है, 16000 दिया हुआ है, कह रहे 4000 से एक्सपायर हो गया, एडजस्टिंग एंट्री पास करने को नहीं दिया आपसे, ये सब तीन चार दे के आपको कहा गया ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो आप फौरन क्या करोगे कि वो 4000 का जो एक्सपायरी है ना, तो 4000 रेंट एक्सपेंस जो पहले से मौजूद होगा उसमें प्लस हो जाएगा, एंट्री ये हुई ना, जहन में एंट्री होनी चाहिए कि रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट, तो रेंट एक्सपेंस को हम जो पहले से मौजूद होगा ट्रायल बैलेंस में अनएडजस्टेड में उसमें प्लस कर देंगे 4000, और वो जो प्रीपेड इंश्योरेंस में 16000 है उसमें से 4000 घटा देंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, 16000 में से माइनस कर देंगे 4000, तब बैलेंस शीट में शो करेंगे, और इधर रेंट एक्सपेंस में फोर पहले से मौजूद है 25000, उसमें 4000 जमा कर दोगे। बात समझ गए क्या कहा मैंने, क्लियर हुई? जी सर क्लियर है सर। चलो ठीक है, इस तरह का भी ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो प्रिपेयर रखो, जो याद रखो एग्जाम के अंदर जो चीज मांगी है ना, जो ऑथर ने जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है, जब रिक्वायर्ड नहीं है कि प्रिपेयर एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, बेशक एडजस्टिंग एंट्रीज आ रही, उसकी तो रिक्वायरमेंट है पहले प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री दी हुई है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन कहा कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, तो अब लेकिन उसका इफेक्ट तो लेना होगा ना आपने, वो इफेक्ट लेते हुए बनाओगे इनकम स्टेटमेंट में, इफेक्ट लोगे बैलेंस शीट में लोगे, ठीक है। तो पर ये मैंने इंपॉर्टेंट बात की आपको, अच्छा यहां तक बन गए थे। अब देखें प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीरियड एंड, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सब चीजें इसमें से कोई दो सी भी मांग सकता है, तीनों भी मांग सकते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपसे कोई पूछेगा नहीं अभी, है ये कुछ एडवांस लेवल की बात है ये, इसीलिए मैंने सट्रा कर दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसी का पार्ट है, याद रखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे अभी, है
बैलेंस शीट और कैश फ्लो। चलो ये भी मैंने लिख दिया, सट्रा हटा दिया, ठीक है। लेकिन आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये जब आप इनकम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे तो फिर वहां पर, लेकिन ये पार्ट है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कौन कौन सा है, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए सब, कम से कम ये इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। दसवां हो गया, ये सब मैं सेंड भी कर दूंगा। प्रिपेरेशन ऑफ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, देखो पासिंग द क्लोजिंग एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग एंट्री आपको आनी चाहिए, है ये हमेशा एक हमेशा ये ईयर एंड पे, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि ईयर एंड मंथ एंड है, तो हमेशा क्लोजिंग एंट्री पास होगी एट ईयर एंड। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्लोजिंग द टेम्परेरी अकाउंट, यानी कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसिस एंड ड्राइंग डिविडेंड, ये टेम्परेरी अकाउंट है, इनको क्लोज करना, ठीक है। क्लोजिंग द पासिंग द क्लोजिंग एंट्रीज मीन्स टू क्लोज द टेम्परेरी अकाउंट्स, यू शुड मस्ट नो व्हाट आर द टेम्परेरी अकाउंट्स, है रेवेन्यूज एक्सपेंसेस, ऑल रेवेन्यूज ऑल एक्सपेंसेस, और क्या है डिविडेंड्स, ड्राइंग्स, ठीक है। ये सब हमारे इसकी प्रोसीजर आपको पूरा बताया हुआ है, हाउ टू क्लोज द क्लोजिंग एंट्रीज में हम कैसे क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, हम एक और अकाउंट क्रिएट करते हैं इनकम समरी का, उसकी मदद से ये सब चीज़ें क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप पे रेवेन्यूज को क्लोज करेंगे, सेकंड स्टेप में एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे, थर्ड स्टेप में इनकम समरी को क्लोज करेंगे, एंड फोर्थ स्टेप में डिविडेंस, अगर डिविडेंस गिवन होगा या ड्राइंग गिवन होगा उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एट ईयर एंड। फिर हमने हमें पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि नाउ आफ्टर पासिंग द क्लोजिंग एंट्री इन द बुक्स, हमारे पास अब बुक्स के अंदर सिर्फ परमानेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस आ रहे होंगे, टेम्पररी अकाउंट्स के बैलेंसेस जीरो हो चुके होंगे, याद रखो। रेवेन्यू हाँ क्या कह रहे हो नया, ठीक है। हमने ट्रायल बैलेंस बनानी है, यानी कि आपने एसेट्स लायबिलिटीज स्टॉक होल्डर इक्विटी के बैलेंसेस को पिक करोगे और टोटल करोगे एंड में, तो टोटल मैच भी करना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोजिंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये भी क्लियर है ना सबको, बोलो बोले भाई ये सर क्लियर है। टाइप्स ऑफ, अब देखो अब ये आगे देखो यहाँ पर, अब हमारे पास ये देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे स्पेशल जर्नल्स, इसका पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्पेशल जर्नल्स में क्या क्या आ रहे हैं भाई, नाम लो भाई, नाम ले, क्या क्या आ रहे हैं। परचेज जर्नल सर, और सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल, और ठीक है। लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, है सब पता होना चाहिए, कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक क्या है, ये सब भी समझाया हुआ मैंने, ठीक। और फिर अगर ट्रांजेक्शन दिए हुए आपको रिकॉर्ड करना है तो आपने फिर देखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज जर्नल में जा रहा है, कौन सा सेल जर्नल में जा रहा है, कौन सा जनरल जर्नल में जाएगा, ठीक है, समझ गए। फिर कौन सा परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल में जाएगा, कौन सा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस में जर्नल में जाएगा, इस तरह के सवाल है ये बहुत। और ये स्पेशल जर्नल क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, अगर रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि अगर हम सबको जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो हम रिपीटेटिव जर्नल ट्रांजेक्शन है कि सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इनको हम इसके लिए स्पेशल जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटिव रिटर्न का जर्नल भी आ जाएगा ताकि हमारा टाइम बचे, एक साथ पूरे महीने की एंट्री हमने पोस्ट कर दी एक साथ, ठीक है, तो इससे कंपनी का टाइम बचता है, मतलब मैन पावर हायर करनी पड़ेगी बहुत, ठीक है, और गलती के भी चांसेस बढ़ जाएंगे,
ठीक है। तो ये सब स्पेशल जर्नल्स को आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह, और स्पेशल जर्नल का नॉलेज है होगा तभी आप वो एरर अकाउंटिंग एरर्स जो है वो भी सही तरह अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, नंबर 14 पे आ जाओ। अंडरस्टैंड द एरर्स इन अकाउंटिंग पासिंग द करेक्टिंग एंट्री। ठीक है, जो आज भी मैंने कराया कि इसके चैप्टर को भी पढ़ना आपने अच्छी तरह, और जो करेक्टिंग एंट्री मैंने जितनी भी कराई है, 3-4 सवालात कराए, वो अच्छी तरह आने चाहिए आपको। ठीक है, अंडरस्टैंड ये सवाल लाजमी, इस सवाल इससे क्वेश्चन आएगा 14 वाले से भी, कि आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, एमसीक्यूज की शक्ल में भी आ सकता है, और एंट्रीज कोई दिखा दें आपको रॉन्गली बहुत सी, एक करेक्ट होगी तो आपको पता है विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये 14 वाला इस लिहाज से कवर करता है। फिर आपका देखो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री से रिलेटेड नंबर 15 को देखो। इन्वेंट्री से रिलेटेड मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया कि परपेचुअल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है, और फिर फर्दर इश्यूएंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम द इन्वेंट्रीज, जिसमें तीन मेथड आपको बताए, फीफो, लीफो, एवरेज से। ठीक है, ये तीनों सिस्टम आपको आने चाहिए कि परपेचुअल सिस्टम, व्हाट इज परपेचुअल सिस्टम एंड व्हाट इज पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एंड फिर इश्यूएंस प्रोसीजर के फीफो, लीफो, एवरेज, और ये दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं, परपेचुअल है तो परपेचुअल पे, पीरियोडिक है तो पीरियोडिक। ठीक है, तो ये पूरी इन्वेंट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने रिवीजन में भी दिया है और रेगुलर क्लासेस में भी आपको पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता। अब जो क्लास लोग अटेंड नहीं किया जिन्होंने, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जो उन्होंने अटेंड किया मैं समझता हूँ कि उनको पास इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब आपके पास टाइम भी है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, एग्ज़ाम आपका जो है वो कैंपस में ही होगा, ऑनलाइन वगैरह नहीं होगा एग्ज़ाम, चाहे लेट हो जाए लेकिन एग्ज़ाम जो कैंपस में होगा आपका। ठीक है, और फिर ये आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वगैरह भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और फिर एडजस्टिंग एंट्री रिलेटिंग टू द कंपनीज बुक्स। कंपनी बुक्स में ये देखो, बैंक स्टेटमेंट आप तभी बना सकोगे जब आपने सारे कॉजेज अच्छी तरह समझे हुए। कितनी दफा मैंने पढ़ाया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एंड द कंपनीज बैलेंस, वो सब कॉजेज आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिए तो यू कैन इजीली प्रिपेयर। और जो इजी मेथड मैंने आपको बताया उससे बना सकते हो आप बहुत आसानी से, दोनों आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो वो और आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बैंक स्टेटमेंट, और फिर एडजस्टिंग एंट्री किसकी पास होंगी, जो एडजस्टमेंट हमने बुक्स में, अपनी बुक्स में किया ना, उनके एडजस्टमेंट पास करना। ठीक है, एक दफा डेबिट कैश को करेंगे और इनकम रिलेटेड को क्रेडिट करेंगे, फिर हम एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट। कंपाउंड एंट्री, दो कंपाउंड एंट्री पास होंगी है इसके अंदर, समझ गए, दो कंपाउंड एंट्री, समझ गए ना कंपाउंड एंट्री का मतलब, एक साथ एंड कंप्यूटिंग। और फिर ये जो आपको बताया कि बैड डेट्स एक्सपेंस बनाना बाय खास कर ये एजिंग शेड्यूल से, तो कल भी मैंने कराया है, एजिंग शेड्यूल से आपने कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस निकालना। ठीक है, और फिर उसकी पासिंग द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, पासिंग रिक्वायर्ड एंट्रीज। ठीक है, उसकी जो पासिंग द रिक्वायर्ड है ना, ये बैलेंस पहले से मौजूद है। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे सब लोग। ठीक है, क्लियर हुई बात, और वो पे वो जो चार एमसीक्यूज के क्वेश्चन कराए हैं उसको भी आप लोग ने रिपीट करना है। ठीक है, तो अब बताओ बाकी वो आपका जो है, समझो यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ वो थोड़ा सा, आप डेपिसिशन शेड्यूल वगैरह है ना वो इसमें कवर हो जाता है एक्सेट्रा में, उसको भी देख लेना। डेपिसिशन किस तरह कैलकुलेट होता है, स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग बैलेंस, सम ऑफ ईयर डिक्लाइनिंग बैलेंस, और फिर आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, वो सब भी पढ़ाया हुआ है, उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, डिस्पोजल की एंट्री पास कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये शुरू के ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट, अब तो पास हो जाओगे नहीं हो जाओगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह हो जाएंगे सर, इंशाल्लाह। जब भी रिजल्ट आएगा तो आप मुझे जरूर मैसेज दोगे कि आए जो भी स्टूडेंट है इंशाल्लाह आप सब लोग पास होगे, है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे इन्फॉर्म भी करोगे, ठीक है, मुझे खुशी होगी बहुत, समझ गए सर। ये पेपर पेपर सारा एमसीक्यूज में होगा ना सर, सारा पेपर? क्या कह रहे हो सर, पेपर हमारा सारा एमसीक्यूज में आएगा ना? मतलब कैंपस में ही होगा? नहीं होंगे तो एमसीक्यूज बेस्ड ना सर? एमसीक्यूज बेस्ड है, लेकिन ये सब चीजों का नॉलेज आपके पास होगा। देखो बताओ, ये जो कुछ मैंने पढ़ाया है, अब एमसीक्यूज आपके पास कैसे भी आ जाए, कुछ एमसीक्यूज में वर्किंग भी होगी, ठीक है, लेकिन ये कि यू आप ये नहीं सोचोगे, ये सब पढ़ा हुआ होगा आपने अच्छी तरह, तभी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यूज का मतलब है कि आपको थॉरो डेप्थ नॉलेज होगा तो एमसीक्यूज को आप सही तरह अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। तो ये सब जो पढ़ाया है मैंने, ये आपको डेप्थ नॉलेज दिया है, और ये मैंने देखो समरी भी बता दी आपको कि आपको इस लिहाज से आप पढ़ो, तो एमसीक्यूज आपके पास फिर कोई इशू नहीं होगा एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। छोटे छोटे सवाल भी हो सकते हैं, वो आपने सॉल्व करना है, फिर एमसीक्यूज में उसका जवाब दोगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको, ये समरी भी बता दी है कि एक बेसिक अकाउंटिंग जो पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, तो ये अपने को इस तरीके से तैयार करेगा, ये देखो, ताकि ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर मैंने इसको समराइज फॉर्म में भी बता दिया कि ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ कैसा पेपर आएगा आपका, ठीक है। अगर आपने ये थॉरो नॉलेज लिया हुआ है तो देर विल बी नो डिफिकल्टी टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, ठीक है। बस आप लोगों ने इंशाल्लाह पास होना है, और दूसरे मुझे इन्फॉर्म भी करना है, आप मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, कि मैंने पास कर लिया एग्जाम, ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अभी कोई डेट बताई उन्होंने वालों ने? सर काइंडली पेपर का वो सारी ये फाइल्स सॉफ्ट में भी शेयर करते हैं जरा ग्रुप में, सारी कंप्लीट सर। ईद के बाद कोई डेट आएगी, मैं तो समझता हूँ कि कोई अगर हालात थोड़े बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्यों ईद के बाद कोई डेट बताएंगे ये लोग, कब से एग्जाम हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग मतलब है कि आप अपने को देखो आउट ऑफ टच नहीं होना, ये मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ टच नहीं होना। अब आपने पढ़ते रहना है, सब चीजें सब आपके सामने है, आपने जो मैंने लेक्चर्स भेजे हैं, जो चैप्टर भेजे हैं, उनको भी रीड करो, आपके पास मौजूद है, ठीक है, उनका प्रिंट आउट ले लो और उनको रीड करो, और क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो सब सॉल्व करो, ठीक है। खासकर रिविजन में जो किए वो सब प्लस दूसरे अदर फाइल में, चलो ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट क्लास, तो आप इंशाल्लाह सर सॉफ्ट में सब चीजें ये शेयर करते हैं ग्रुप में, सॉफ्ट में ये मैं अभी मैं थोड़ी देर में अभी आप शेयर करता हूँ, ठीक है। ये सब अगर मैं शेयर नहीं करूँ तो सर इसके अलावा भी सर जो भी कोई मटेरियल होता सर काइंडली वो भी शेयर करते हैं, इसके अलावा भी अगर कोई चीज ऐसी है, वैसे तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सारी चीजें बहुत अच्छी गाइड की हैं, अगर इसके अलावा भी अगर कोई और चीज हो तो सर वो भी काइंडली कर दीजिएगा, ताकि हम इसको यूज टू होते रहे, ठीक है। मैं सब कर दूंगा, अभी मैं थोड़ी देर में नमाज पढ़ के मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, और अगर शेयर नहीं किया आज तो मुझे फिर रिमाइंड भी कर देना एहतियातन, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत खुशी महसूस करूंगा जब आपका मैसेज आएगा कि हमने पास कर लिया एग्जाम को, ठीक है। दुआ करो सर, इंशाल्लाह ताला सर, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखे, ठीक है। ओके सर, सेम टू यू सर, ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।